पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पिछले दिनों बारिश के बाद बर्बाद हुई गेहूं को लेकर एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि किसान इस वक्त बहुत परेशान है, कई गेहूं की गाड़ियां अभी भी विक्रय केंद्र पर खड़ी हुई हैं और जिन किसानों की गेहूं बिक चुके हैं उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। वहीं बारिश में खुले में रखी गेहूं भी खराब हो गई है। 50 गाड़ियां तुल गई हैं लेकिन कह रहे हैं कि साहब इसका पेमेंट नहीं होगा। ये वहां के विकास पार्टी का पाटीदार जी ने ये मैसेज में रोक दिया है और कोई सुनने को तैयार नहीं। और ऐसा जगह जगह है, बारदाने मिले नहीं, लंबी लाइनें लगी और किसान परेशान हुआ है। और जो गेहूं गीला हो गया, तूफान की सूचना थी पहले लेकिन तैयारी नहीं की और जो गेहूं गीला हुआ है उसकी एक तो उसमें बहुत सी जगह पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसका, क्योंकि तुल गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। और दूसरा ये PDS जो गरीबों को बात कही जा रही कि फ्री राशन देंगे, उसमें दिक्कत आएगी जब ये गेहूं खराब हो जाएगा। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।